के दो मेथड होते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा, पहले हम फर्स्ट देखते हैं ट्राइंगल, दूसरा लॉ होता है वो होता है पैरेललोग्राम लॉ। तो पहले ट्राइंगल देखते हैं। ट्राइंगल लॉ में ये कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेकन इन सेम ऑर्डर, तो जो थर्ड साइड होगा वो उनके रिजल्टेंट को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो यहाँ पे वेक्टर ये है और दूसरा, जैसे ये वेक्टर है और ये वेक्टर हमारा हो गया सेम ऑर्डर में टेकन इन, तो दो साइड ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो थर्ड साइड होगा यहाँ से होगा, जो अपोजिट ऑर्डर में लिया गया होगा वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे वेक्टर ये है, वेक्टर बी है, और यहाँ से हमने जो इनका रिजल्टेंट होगा वो होगा वेक्टर आर। अब यहाँ से वेक्टर आर, ये एंगल दोनों के बीच का एंगल है। हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में ये देखा था कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं जब हेड और टेल मिलते हैं, तो हेड और टेल यहाँ पे देखें, हेड और टेल मिला तो हेड और टेल में पैरेलल शिफ्टिंग कराते हैं, तो हम क्या करेंगे इस वेक्टर को, वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट करा दिए यहाँ पे, तो ये एंगल होगा, इसको हमने रिप्रेजेंट किया थीटा। अब यहाँ से जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वेक्टर ए से वो कितना होगा उसको हम मान लेते हैं थीटा, तो जो वेक्टर आर होगा वो किसके बराबर, अब ये जो होगा यहाँ पे थीटा है, तो जो बेस में होता है वो बी कॉस थीटा और जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है बी साइन थीटा, तो ये हमको मिलेगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, इसका हम आगे चलकर देखेंगे इसी में। तो और जो टाइम थीटा डायरेक्शन है वो हम फाइंड करेंगे बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका भी प्रूफ हम देंगे। अभी हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल मेथड देख रहे हैं, आगे चलकर हम लोग इसका एनालिटिकल मेथड देखेंगे। अब आते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है टू वेक्टर एक्टिंग एट ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये चीज है, यानी कह रहा है कि अगर दो वेक्टर किस रूप में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड ऑफ एक साइड ये एक साइड सेम पॉइंट से लिए गए, एडजेसेंट साइड से पॉइंट से लिए गए एक ही, तो कह रहा है कि अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका डायगोनल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। टेकन एट द सेम पॉइंट, कहां से आपको लेना है, यहीं से लेना, अलग से नहीं है, ठीक है। अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये कह रहा है, अब हम लेते हैं वेक्टर ये लिए, फिर वेक्टर बी, और ये दोनों सेम पॉइंट से लिए गए हैं और ये पैरेललोग्राम के किसके साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो डायगोनल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। ये तो वेक्टर का एंगल है, यहाँ पे दोनों के बीच एंगल थीटा, यहाँ पे बीटा, तो ये बी कॉस थीटा, ये होगा बी साइन थीटा। इसको हम आगे चलकर बताएंगे कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे ये हमारा रिजल्टेंट होगा और रिजल्टेंट किसके बराबर, रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसका रिजल्टेंट आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। टाइम थीटा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा बी कॉस थीटा। अब एनालिटिकल मेथड देख लेते हैं, तो एनालिटिकल मेथड सेम फिगर हमने वही चीज ले लिया। अब फिगर में हम आपको यहाँ पे बता देंगे, अब ये देखिए कि ये बी कॉस थीटा हो रहा है और ये कौन सा हो रहा है बी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा और ये जो है वो बी रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर बी का। अब यहाँ से निकालें तो बेस के साथ हमेशा कौन सा होता है कॉस होता है, कोसाइन होता है, और परपेंडिकुलर के साथ हमेशा साइन होता है, तो जो हमारा एसटी होगा वो बी साइन थीटा होगा और पीटी जो बेस है वो बी कॉस थीटा होगा। अब इन राइट ट्रायंगल एंगल नहीं ट्रायंगल ओएसटी चलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां से हम ओएस हमारा क्या है, ओएस हमारा हाइपोटेनियस और बेस है ओटी और परपेंडिकुलर है पीएस का स्क्वायर। अब ओटी किसके बराबर है, ओपी धन पीटी, ओपी धन पीटी किसको पीटी, OS इक्वल टू OP धन PT और प्लस TS, और OP किसके बराबर, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है और PT कितना है B cos थीटा और TS कितना है B sin थीटा। तो अब इसको हम ले लेते हैं R स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर। अब A प्लस B की आइडेंटिटी से ओपन करें तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को हम एक पास कर देते हैं तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और इसकी वैल्यू होती है 1। तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, यानी आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। लीजिए प्रूफ हो गया। अब आते हैं हम लोग जो डायरेक्शन फाइंड किए थे टाइम बीटा, टाइम बीटा उसी ट्रायंगल में ओ एस टी ने OST में लिखे, तो टाइम बीटा इक्वल टू कितना परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर TS या ST अपॉन बेस OT, और OT किसके OP प्लस PT। अब
ओ एस टी है हमारा 20 sin थीटा, और नीचे आई ओपी कितना है ए, और पीटी है पी कॉस थीटा, तो हमको मिला 20 sin थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे इसे। स्पेशल केस इसमें देखते हैं, केस नंबर फर्स्ट, एक थीटा इक्वल टू 0, यानी दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन हो, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो, तो उस कंडीशन में जो इसका रिजल्टेंट होता है वो होता है मैक्सिमम। ये अगर ऐसे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट होता है मैक्सिमम आर इक्वल टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab, का 0 का 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर में रूट को हटा दिया तो आर मैक्सिमम ए प्लस बी, तो देन ये सेम डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी थीटा 180 डिग्री है, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट होगा वो मिनिमम होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, अब आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर में रूट को हटा दिया तो हमको मिला ए माइनस आर मिनिमम इक्वल टू ए माइनस बी। अब यानी दोनों वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट जो होगा वो मिनिमम। अब आते हैं हम लोग, अगर दोनों परपेंडिकुलर हो थीटा 90 डिग्री, तो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab, कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, देयरफॉर आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा रिजल्टेंट होगा। अब एक चीज और देखते हैं कि वेक्टर एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो, कम्यूटेटिव मतलब ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करें या वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड करें सेम रिजल्ट में। जैसे यहां अब ये जो है हमारा देख कि यहाँ पे कह ले, तो ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो आर हुआ वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट। अब सिमिलरली हम ले लेते हैं किसको, इस तरह से, अब यहाँ पे वेक्टर को हमने, वेक्टर ए को, जो वेक्टर ए है इसको हमने पैरेलल शिफ्टिंग कराया, जैसे ये ऐसे क्या कहते हैं ऐसे था इस तरह से ऐसे, अब इस वेक्टर को हमने ऐसे पैरेलल शिफ्टिंग करा दिए, ऐसे हो गया, तो रिजल्टेंट आप ऐसे आ गया आपका, तो रिजल्टेंट यानी अब इस जगह पर आए तो वेक्टर बी तो अपने जगह पर है, वेक्टर ए यहाँ पे आ गया, तो फिर रिजल्टेंट हमको मिला वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, यानी सेम रिजल्ट मिला। तो कहते हैं कि वेक्टर एडिशन जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। अब आते हैं फाइंड रिजल्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो फाइंड द रिजल्टेंट आ, तो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab cos थीटा, cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल होगा, 4 3 12 और 4 4 16 और 3 3 9 16 90 925 और 12 ऐड कर दिया तो 37। अब देखते हैं साइन और कोसाइन रूल, तो साइन और कोसाइन रूल क्या है, कोसाइन रूल तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab cos थीटा, कोसाइन रूल ही, दिस इज द कोसाइन रूल, लेकिन हमको साइन रूल फाइंड करना है। थोड़ा सा फिगर में हमने चेंजिंग किया, और चेंजिंग में बस ये चेंज किया फिगर की जो हमारा ये क्या कहते हैं पी पॉइंट है, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, यहाँ पे ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90 डिग्री यम पॉइंट पर, और जो यहाँ पे बीटा लेकर चलते थे वो अब मैंने अल्फा कर दिया और बीटा को यहाँ पे। अब सेम जो हमारे पास एंगल है वो एस टी ट्रेंगल है, ट्रेंगल है लिखना है ट्रेंगल, तो अब साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एस टी हाइपोटेनियस ओ एस, तो एस टी इक्वल टू मिल जाएगा ओ एस साइन अल्फा, और ओ एस की वैल्यू आर, तो आर साइन अल्फा एस टी मिल गया। अब इन राइट ट्रेंगल पी एस टी, तो पी एस टी में आए तो पी एस टी, अब देखें एस टी हमारा परपेंडिकुलर, पी एस हमारा क्या हो गया हाइपोटेनियस, तो फिर एस टी इक्वल टू पी एस साइन थीटा, और पी एस है बी तो बी साइन थीटा, यानी अगर हम इसको अगर कोई रिलेशन दे देते हैं इसको 1 और इसको हम दे देते हैं, तो 1 और 2 का ये एस टी है ये भी एस टी है, तो 1 और 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो राइट हैंड साइड इक्वल आर साइन थीटा इक्वल टू बी साइन थीटा, आर साइन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा, और साइन थीटा को आर के नीचे और साइन अल्फा को बी के नीचे ले आते हैं, तो हमको एक रिलेशन मिल गया आर अपॉन साइन थीटा इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा। फिर अगेन हमारे पास दो ट्रेंड है ओ एम पी और पी एम एस, ओ एम पी और पी एम एस, तो इसमें अगर हम देखें तो जो ट्रेंड है हमारा कौन सा ओ पी एम, तो ओ पी एम में पी एम हमारा परपेंडिकुलर है और ओ पी हमारा हाइपोटेनियस है, तो पी एम अपॉन ओ पी इक्वल टू यहाँ पे अल्फा एंगल पर आए तो ये हम लिखेंगे साइन अल्फा, तो पी एम इक्वल टू ओ पी साइन अल्फा, ओ पी कितना है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये, तो ये मिल गया साइन अल्फा। इसी तरह से हम पी एम एस में लेंगे तो वो मिलेगा हमको बी साइन बीटा, अब यहाँ से हम क्या करते हैं ए अपॉन साइन बीटा इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा, इसको रिलेशन टू देखे, रिलेशन फर्स्ट और रिलेशन टू का राइट हैंड साइड इक्वल, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो देयरफॉर हमको मिला आर अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन साइन थीटा इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा, ये कहलाता है साइन रूल। अब इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफ में लर्न करने का तरीका आपको बताएं कैसे आप लर्न करेंगे। यहाँ रेक्टेंगल है, अब साइड ए के सामने जो एंगल है वो ए है,
साइड बी के सामने का एंगल बी है और साइड सी के सामने का एंगल सी है, तो देन हम लिख सकते हैं ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये कहलाता है ट्राइंगल रूल, आसानी से लर्न हो जाएगा। आप पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जब दो से अधिक वेक्टर को एड करना होता है तब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, पॉली। अब यहाँ पे हमारे पास तीन वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है, इनको एड करना है। तो पहले हम ए और बी को एड करेंगे और ए और बी के रिजल्टेंट, अब ए और बी को हमने एड कर दिया, अब ए और बी का रिजल्टेंट हमको मिल जाएगा, ये कोई वेक्टर नाम दे देंगे इसको। अब इस रिजल्टेंट से वेक्टर सी को एड करेंगे, और भी वेक्टर है तो फिर यही प्रोसेस आगे हम बढ़ाते रहेंगे, देन हम रिजल्टेंट। तो यहाँ पे वेक्टर ए का किया वेक्टर बी, अब वेक्टर ए, अब वेक्टर बी का रिजल्टेंट मान लेते हैं डी है, अब वेक्टर डी से हम वेक्टर सी को एड कर देंगे, तो ये हमको मिल गया सी। अब फाइनल रिजल्ट हो गया ये हमारा आर। अब आर किसके इक्वल है, वेक्टर डी इक्वल है किसके, ए और बी के एड करने से मिला, और वेक्टर सी और वेक्टर आर मिला डी और सी से, तो डी वेक्टर डी की वैल्यू रखते हैं तो हमको मिल जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इस तरह से हम पॉलीगन मेथड से नंबर ऑफ वेक्टर को एड कर सकते हैं। अब आते हैं सबट्रैक्शन। एक्चुअल में कह लें तो सबट्रैक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता वेक्टर में, एडिशन का ही कांसेप्ट चलता है। अब हमारे पास मान लेते हैं कि वेक्टर ये है तो इसका एंटी पैरेलल वेक्टर माइनस ए होता है, एंटी पैरेलल कर दे। तो अब ये देखें कि अगर ए माइनस बी करना है तो क्या हम इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी कर देते हैं, यानी सिंपल है कि रिवर्स कर दें, एंटी पैरेलल कर देंगे तो वो निगेटिव वेक्टर हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी, इनको ये में से ए में से वेक्टर ए में से वेक्टर बी को हमको सेपरेट करना है, तो हम क्या करें वेक्टर बी को रिवर्स एंटी पैरेलल कर देते हैं। तो यहाँ पे इसके बीच से एंगल हुआ थीटा, तो अब ये हमारा वेक्टर ए वेक्टर ये माइनस बी हो गया। अब देखें कि यहाँ से अब इसको हमने एंटी पैरेलल किया वेक्टर बी, तो ये माइनस बी हो गया। अब ये थीटा है तो ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा, यानी इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 180 माइनस थीटा बनेगा। तो ये हमारा हो गया। अब ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अल्फा और बीटा ले लेते हैं। अब आते हैं यस इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब रिजल्टेंट हमको फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा तो 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस थीटा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये रिजल्ट होगा। अब टाइन अल्फा हमको फाइंड करना है, तो टाइन अल्फा बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी cos 180 माइनस थीटा, cos 1 माइनस साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस cos थीटा। अगर टाइन बीटा निकाले तो वही चीज ए साइन 180 माइनस थीटा अपॉन बी प्लस ए cos 180 माइनस थीटा, तो टाइन बीटा हमको मिलेगा ए साइन थीटा अपॉन बी माइनस ए cos थीटा। अब एक एग्जांपल से लेते हैं, और ये वेरी गुड एग्जांपल है, और इस एग्जांपल से हम आपको J19 का सवाल क्लिक के रूप में हल करना सिखाएंगे, विद इन 5 सेकंड या 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है और सर्किल, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर वो मूव करे, पार्टिकल ए पॉइंट पर है और उसका पोजीशन वेक्टर आर1 है, और थीटा एंगल मूव करने के बाद बी पॉइंट पर पहुंच गई और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर2, वेलोसिटी v1 है और बी पर वेलोसिटी v2 है। अब ये हमको मिल चुका, अब इसमें कुछ चीजें हमको फाइंड करनी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर1 मैग्नीट्यूड ऑफ आर2 कितना होगा, रेडियस होगा, दोनों इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v1 स्पीड होगा v, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v2 स्पीड होगा v, स्पीड तो सेम होगी, वेलोसिटी चेंजिंग। अब हमको फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल की पार्टिकल है ab, और ab क्या है r है, r इक्वल टू कितना होता है एंगल इनटू रेडियस, तो रेडियस r और एंगल थीटा, तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल। अब सेकंड इसका लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो होगा वो कितना होगा r2 माइनस r, डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा s इक्वल टू r2 माइनस r1, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का हम लोग रिजल्टेंट फाइंड किया, तो डेल्टा s यानी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, यानी r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2rr cos थीटा, rr मूव ही याद आ गई rr, अब r स्क्वायर को 8 किए तो 2r स्क्वायर, और फिर r इनटू r कितना हुआ r स्क्वायर, 2r स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे हम तो हमको मिल जाएगा 2r स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू होती है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यहां पे हम लोग ले लेंगे डेल्टा s इज डेल्टा s इक्वल टू अंडर रूट 2r स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और 2 2 4 4 का स्क्वायर रूट 2, r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r, sin स्क्वायर का रूट स्क्वायर रूट sin, तो यहां से हमको मिल गया 2r sin थीटा। सेम हम चेंजिंग वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, तो डेल्टा v इक्वल टू v2 माइनस v1, अब ये हो गया डेल्टा v इक्वल टू अंडर रूट v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2vv cos थीटा, अब ये निकालेंगे डेल्टा v इक्वल टू अंडर रूट 2v स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा, अब फिर y1 माइनस cos थीटा की वैल्यू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 या 2v sin थीटा बाय 2। अब जेई 19 में जो सवाल आया ट्रिक के रूप में कैसे आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट मूव थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री अराउंड द सेंटर ऑफ सर्कल। ये ऑप्शन है आपका 10√3 मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 10√2 मीटर पर सेकंड, डी ऑप्शन है √10।
जे मेंस का सवाल है और ट्रिक है डेल्टा वी इक्वल टू वी साइन थीटा बाई टू, वी की वैल्यू दे रखा है 10 और थीटा की वैल्यू 60, डायरेक्ट रखेंगे एक लाइन में आंसर 2 से 2 कैंसिल हुआ, डेल्टा वी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे मिस्प्रिंट हुआ है, ऑप्शन सी दो बार लिख गया तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।